वहीं बीजेपी के सदस्यता अभियान के जवाब में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में कार्यक्रम स्थल पहुंचे। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने मीडिया से बातचीत में सिंधिया पर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया विरोधी नारे भी लगाए गए और कहा कि अब जनता ऐसा विधायक चाहती है जो बिकाऊ नहीं टिकाऊ हो। पापा नहीं है, इंसान है। हमारे मिश्रा जी ने कहा, लेकिन मैं पूछ रहा था, जो टाइगर है, टाइगर भाजपा में तो, अगर तुम टाइगर जंगल में, टाइगर को कोई सुरक्षा की जरूरत होती है? टाइगर निकलता दहाड़ता हुआ सब भागते नजर आते हैं, तो 50-50, 100-100 पुलिस वाले क्यों लगाए हुए हो? अगर आप बम्पर, आप टाइगर हो तो पुलिस की क्या जरूरत, सुरक्षा की क्या जरूरत? जब ग्वालियर की धरती पे लोग कोरोना से मर रहे थे, संक्रमण की विभीषिका से लोग हताहत हो रहे थे, तब वो खून का संबंध और पीढ़ियों का संबंध गायब हो गया। 6 महीने बाद जब वो धरती पे आए ग्वालियर की, तब मात्र ज्योतिरादित्य रह गए। पहले श्रीमंत ज्योतिरादित्य थे, जनता ने काले झंडे दिखा के कह दिया कि भाई श्रीमंत गायब है, अब तुम ज्योतिरादित्य बन के आ सकते हो। 2000 में जो ग्वालियर चंबल में जो 34 में से जो 26 सीटें हम जीते, वो ग्वालियर चंबल में जो 2 तारीख की जो बड़े बेहद पे घटना हुई थी, उस घटना का भी परिणाम था। आदरणीय कमलनाथ जी की लोकप्रियता थी, कांग्रेस के प्रति लोगों का लगाव था, भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुचक्र, इन सब 26 लाख किसानों के कर्जे माफ हो गए। आप 16 विधानसभा में चंबल और यहाँ के जो 16 विधानसभा है, ये मैं पेन ड्राइव दे के जा रहा हूँ के मिश्रा जी, हर पत्रकार को दे देना ये पेन ड्राइव। इसमें 16 विधानसभा के वो किसान लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर भी हैं, मोबाइल नंबर डायल करके पूछ लेना कि उनके कर्जे माफ हुए नहीं हुए।